सागर के भाजपा नेता नवीन भट्ट और उनके भाई पर एक लकवाग्रस्त बुजुर्ग ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल शहर के अंबेडकर वार्ड निवासी हरिशंकर वर्मा ने नवीन भट्ट के छोटे भाई अनूप भट्ट पर अपने 3 मंजिला मकान की धोखाधड़ी कर रजिस्ट्री कराने और उस पर जबरन कब्जा करने के लिए परेशान करने के आरोप लगाए हैं। जो तैयार करते हैं आने वाली पीढ़ियों को, उन्हें हमारा सलाम। देश के शिक्षकों के लिए खास ऑफर, 4,000 रुपए तक प्राइस बेनिफिट। सेंट्रल हीरो सागर। उन्होंने अपनी बेटियों के साथ मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायती आवेदन दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। वहीं नवीन भट्ट ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। दरअसल रेलवे से रिटायर हरिशंकर वर्मा का आरोप है कि उन्होंने नवीन भट्ट के भाई अनूप भट्ट से पैसे उधार लिए थे, जिसको समय समय पर उन्होंने किस्तों में लौटाया भी, लेकिन उसने अनुबंध करने के नाम पर उन्होंने धोखे से रजिस्ट्री करवा ली। अब जबरन मकान को खाली करने का दबाव बना रहे हैं। कभी राजनीतिक रोब का उपयोग करते हुए लाइट कटवा देते हैं तो कभी ताला डाल देते हैं। हरिशंकर शर्मा लकवाग्रस्त हैं और अकेले रहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें लगातार परेशान कर धमकाया जा रहा है। क्या समस्या लेके आए? मकान की समस्या। क्या हो गया है? मकान हमारा कब्जा किए हैं। कौन किए हैं? अनूप भट्ट और उनके भट्ट के साथ में हैं। और गोविंद भाई ने भैया सारे देते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। जो आपकी जगह है वो कब्जा किया? हाँ कब्जा किया है। बोले ये लोग दबंग हैं कुछ? हाँ बहुत दबंग है। और सब इसको नौकरी से ज्यादा में हूँ, नौकरी से ज्यादा में हूँ। अब एक यहाँ बच्चा है वो जाने का बात है। कहाँ है आपका ये एरिया? ये धर्मासी अमेरिका बात है। वहीं उनकी बेटी ने बताया कि धर्मश्री अंबेडकर वार्ड में उनका 3 मंजिला मकान बना हुआ है। भाई की नौकरी से संबंधित कुछ पैसों की जरूरत थी, तब उनसे पिताजी ने पैसे लिए थे। वहीं लेन देन था उसी को लेकर दस्तखत करने रजिस्ट्री कार्यालय ले गए थे, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्री पर साइन करवा दिए। साथ ही इस बात की भी आशंका जाहिर की है कि नवीन भट्ट और उनका भाई हरिशंकर शर्मा के बेटे को किसी मामले में फंसा सकता है। सागर से हैं और हमारे पापा की ज़मीन में कब्जा किए हैं नवीन भट्ट के भाई अनूप भट्ट। और पापा को धमकी देते हैं, आए दिना धमकी देते हैं कि हम मंत्री के साथ रहते हैं, हम विधायक के साथ रहते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे बस। और धमकी देते हैं और पापा को आए दिन कहते हैं लात मार के निकाल देंगे। लीगली कब्जा कर रखा है उन लोगों ने हमारे पापा के लिए। कितने गाड़ियाँ ली हैं? 800 वर्ग फुट में मकान बना हुआ है हमारा 3 मंजिल का। और पापा से जो पैसे का लेन देन था पापा ने कर दिया, फिर भी वो लीगली तरीके से पापा को रोज़ परेशान करते हैं, दादू पूरी करते हैं, दरवाजे पे आके ताला लगा देना है, लाइट कटवा देना है। कौन है नवीन भट्ट? नवीन भट्ट भारतीय जनता पार्टी में है और उनके भाई अनूप भट्ट। क्या लेन देन क्या है पैसे? कुछ लेन देन हुआ था जो हमारे छोटे भाई हैं उनके विषय मतलब रोजगार के उसमें, तो उन्हें पापा ने पैसे लिए थे। इन्होंने एग्रीमेंट का झांसा देकर रजिस्ट्री करवाई है। जब मुझे पता चला इस बात का तो हम लोगों ने इस चीज़ की गुहार की है कि सरकार से गुहार करते हाथ जोड़ के कि हमारे पापा को न्याय दो। जब आप उनसे चर्चा करती हैं तो बात विवाद करते हैं और बोलते हैं नहीं हमारा कुछ ऐसा नहीं, हम देख लेंगे हम सब निपटा लेंगे, 2 दिन में आपको वो नहीं करना चाहिए। आपके पापा क्या नाम है? हमारे पापा रेलवे से रिटायर्ड हैं और पैरालिसिस हो चुका है उनको और हार्ट के मरीज हैं। कहाँ है ये? धर्मश्री में है, अम्बेडकर वार्ड में। अति से हूँ। अगर सुनवाई नहीं हुई, आप परेशान हो गए तो आगे क्या करेंगे? अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम दोनों बहनें आत्मदाह करेंगे, क्योंकि हम अपने पापा को रोडों पे भटकता हुआ नहीं देख सकते। तो नाम क्या लिखते हैं? हमारा नाम सोनिया तिवारी है जी। मेरे पापा जी हैं और ये इनका अति से होम्स में घर है, तो उनकी समस्या लेके आए, उसको धोखाधड़ी करके मेरे पापा का घर अपने नाम पे कर लिया है। किसने कर लिया है? नवीन भट्ट है, उनका भाई है अनूप भट्ट। कितनी जगह है? होगी 650-700 या इतना ही है, इतनी जगह है वो। और उस पर 3-story घर बना हुआ है। आपने उनसे चर्चा की होगी? क्या बोला? उनसे हमने चर्चा की थी तो वो ये बोल रहे थे कि भाई जो भी है अपन बैठ के देख लेते हैं, बात करते हैं,
उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हम लोगों से कोई बात नहीं की, ना हम लोगों को कुछ पता चला। अभी 15 दिन पहले वो पापा को परेशान करने लगे एकदम से आके। अभी 2 दिन पहले उसने लाइट कटवा दी अनु भट्ट ने, और लाइट कटवाई तो हमने पापा का फ़ोन आया, बोले कि बेटा हमारी लाइट कट गई। क्यों बोले, ऐसी सी बात हो गई हमारा। अच्छा हमने एक काम करो आप घर आ जाओ, ये घर गए फिर रात में हमने इनको वहीं रख लिया। सुबह जब यहाँ लौट के आए तो देखा घर पे ताला डाला हुआ था, तो हमने पापा का फ़ोन आया बोले कि बेटा यहाँ पे ताला डाला। मैं क्यों, बोले कि वो अनूप ने ताला डाल दिया। मैं उसको फ़ोन लगाओ तो इनने फ़ोन लगाया, तो अनूप ने फ़ोन नहीं उठाया। हमने फिर नवीन को फ़ोन लगाया, हमने भाई इनको भी लगाया जाए, वो हमसे बोल रहे थे कि बैठ के बात करेंगे, फिर कोई बात नहीं की उनने। जब उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद हमने पापा से बोला, एसपी कार्यालय में पापा से आवेदन करवाया था, तो हमने कहा पापा आप लेके ये आवेदन थाने जाओ और वहाँ पे बात करो क्या होता है। पापा थाने गए, वहाँ से वहाँ पे नानूप का फ़ोन आया। वो जो एसपी कार्यालय में आवेदन दिया था उसकी पहुँची लेके पापा वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे बताया। फिर अनूप का फ़ोन इनके पास आया कि बाबूजी हम दरवाज़ा खोल दे रहे हैं आप आ जाओ। तो बस ये आए, जैसे ही दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा खोला तो फिर वो आके इनसे बोलता है, चुटकी बजा के बोला एक काम करो, एक घंटे में मैं आता हूँ और आप यहाँ से जाके सीधे मोती नगर जाके और FIR वापस ले लो, और नहीं तो फिर हम देख लेंगे अपने हिसाब से। पापा ने बोला मैं अभी बेटा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझसे अभी कुछ मत बोलो और मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। तो वो बोला नहीं, चल लगे आप FIR वापस लो, और मैं अगर FIR वापस नहीं होगी मैं लाइट नहीं लगवाऊँगा। तो पापा बोले बेटा मेरी तबीयत खराब है, अभी आप जाओ, मैं बाद में बात करूँगा। उसके बाद उसने वो चला गया। फिर पापा का फ़ोन आया, बेटा ऐसी ऐसी कंडीशन हो गई है। हम लोग दोनों बहनों को पता चला, हम लोग तुरंत लौट के आए, वहाँ देखा ये बहुत रो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम बस इतना चाहते हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, और इसमें सरकार से बस इतना निवेदन कर सकते हैं कि बस इसमें हम लोग की सहायता कीजिए, क्योंकि ये गलत है और गलत किया है। नवीन भट्ट भाजपा में कार्यरत हैं, और वो भी मतलब जानी मानी हस्ती, और वो बड़े बड़े लोगों के साथ रहते हैं, उनको अपना बैठना है। और ये अनूप का कहना है, वो दबाव ये बनाता है अनूप भट्ट का, तो एक ही कहना रहता है मेरे भैया तो मंत्री जी, वो लोग बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, उनके साथ में रहते हैं तो हम कुछ भी करवा सकते हो। कोर्ट का उनका कहना ये है, और अब ये सबसे गलत है, वो ये बोल रहे थे कि कोर्ट का जो काम है मैं 2 दिन में निपटवा लूँगा, क्योंकि हम बट वही तो नहीं जिनकी एक वीडियो आता है छोटी से बाहर। हाँ ये वही है, हाँ वो धमकी देते। कल रात में आए थे तो दारू पी के बाहर बैठे थे और वो हंगामा कर रहे थे, और यही बोल रहे थे कि कल मतलब आज के लिए उनने बोला है कि आज हम जाके घर पे, आप घर से निकलोगे, घर में हम ताला डलवा देंगे और लात मार के जूते मार के निकालेंगे। SP साहब से हमारी बात हो चुकी, उसने कहा है ये सच है, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, कि SP साहब से मेरी बात हो गई है और कलेक्टर से भी मेरी बात हो गई है, PI साहब से मैंने बात कर ली, और मोती नगर थाना मैंने पूरा कर लिया। ये उसके बोलते रात में, पापा का फोन अभी हम लोग की कॉल डिटेल भी निकलवा लें तो उसमें देख सकते हैं क्या सुना। इतनी बात है, मेरा नाम है नीतू शर्मा, पिताजी का नाम हरिशंकर शर्मा। उधर इसको लेकर भाजपा नेता नवीन भट्ट ने फोन पर बताया कि कैमरे पर कुछ भी कहने दें, मना कर दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि लीगल तरीके से रजिस्ट्री करवाई है, कहीं कोई फरेब नहीं किया। जो भी आरोप लगाए हैं वे सभी निराधार हैं। रजिस्ट्री के समय 3-3 बार दस्तखत किए हैं, उनके मन में लालच बढ़ गया है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इस मामले में फिलहाल जनसुनवाई में शिकायत की गई है। आखिर क्या है सच्चाई, ये आने वाले दिनों में मालूम चल सकेगा। जो तैयार करते हैं आने वाली पीढ़ियों को, उन्हें हमारा सलाम। देश के शिक्षकों के लिए खास ऑफर, 4,000 रुपए तक प्राइस बेनिफिट। सेंट्रल हीरो सागर।